क्लास इलेवेंथ में नो मैटर कौन सी स्ट्रीम लिए बैठे हो, लेकिन क्लास इलेवेंथ तुम्हारे छक्के जरूर छुड़ाने वाली है, क्योंकि क्लास टेंथ में जो तुम्हें इजी पढ़ाई करने की आदत है ना, वो सब कुछ ग्यारहवीं में आके चेंज होने वाला है और तुम्हें लगने वाला है कि ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो हमसे हो ही नहीं रही है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं अपनी पर्सनल टिप्स और ट्रिक्स आपसे शेयर करने वाली हूँ जो आपके पूरे साल काम में आएंगी और ये सुनिश्चित करेंगी कि क्लास टेंथ की अच्छी परसेंटेज के बाद आप ग्यारहवीं में जाके एवरेज स्टूडेंट ना बन जाए। देखो क्लास 10 से क्लास 11 का जो ट्रांजिशन होता है, जो स्टडी का लेवल बदलता है, वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट एकेडमिक ट्रांजिशन होता है। तो इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल कि अगर तुम्हें लग रहा है कि क्लास 11 तो तुमसे होएगी ही नहीं, और इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल कि अगर एक महीने बाद दो महीने बाद तुम अपनी चॉइस पे ही क्वेश्चन उठा रहे हो कि कहीं मैंने गलत स्ट्रीम तो चूज नहीं कर ली क्योंकि यूनिट टेस्ट में कम नंबर आए। तो लेट इट सिंक इन कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, अप्रैल के महीने से शुरुआत करोगे तो जनवरी तक जाते जाते तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक अपहिल जर्नी होगी और तुम कॉन्कर कर लोगे क्लास 11। नंबर टू, प्लान अहेड। तुम्हें क्या लगता है जो दुनिया भर के टॉपर्स होते हैं ये यूट्यूब वीडियो की स्टडी स्ट्रेटजीज और टाइम टेबल्स को फॉलो करते हैं, आर बाय आर की तैयारी करते हैं कि इस घंटे में ये पढ़ना है, इस घंटे में ये पढ़ना है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो पूरे ईयर की प्लानिंग करते हैं, मंथली प्लानिंग में विश्वास रखते हैं। तुम्हें भी सेम स्ट्रेटजी लगानी है, तुम्हें अपने साल को तीन या चार पार्ट में डिवाइड करना है। तुम्हें देखना है कि पहले भाग, पहले दो तीन महीने में तुम्हें कौन से चैप्टर्स करने हैं, फिर दूसरे दो तीन महीने में तुम्हें कौन से चैप्टर्स करने हैं, फिर तीसरे पार्ट में क्या करना है और चौथे पार्ट में रिविजन करनी है तो कैसे करनी है। तो इस तरीके से एक एकेडमिक प्लानिंग करनी है, टाइम टेबल के चक्करों में नहीं पड़ना है, लेकिन फ्यूचर की यानी कि पूरे एकेडमिक ईयर की एक ब्रीफ प्लानिंग तुम्हें अभी से करनी है। जो बच्चे ये नहीं करेंगे उनके आई प्रॉमिस कि कभी भी 90 से ऊपर मार्क्स क्लास 11th में नहीं आ सकते। नंबर थ्री, डेली शेड्यूलिंग यानी कि टास्क लिस्ट बनाओ। मैं अपनी हर स्टडी टिप्स की वीडियो में ये जरूर बोलती हूँ कि टाइम टेबल बनाओगे ना, अगर मंडे को भी जो काम करना है वो तुमने एक हफ्ता पहले थर्सडे को ही डिसाइड कर लिया है तो भी वो मंडे की शेड्यूलिंग फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे को कुछ ना कुछ ऐसे हो जाएगा कि मंडे को जो काम तुमने शेड्यूल किया था वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए सिर्फ डेली शेड्यूलिंग करनी है तुम्हें, मंडे को जो काम करना है वो संडे रात को सोच के एक मेंटल लिस्ट बना लो, या कुछ तुम्हें भूलने की बीमारी है तो कहीं लिख के रख लो या फोन में नोट्स में लिख लो। तो डेली शेड्यूलिंग करनी है, अगले दिन के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने हैं, और ये बहाना नहीं चलेगा कि ये चैप्टर तो स्कूल में ही नहीं हुआ। सिर्फ स्कूल पे डिपेंडेंट नहीं रहना है हमें। चलते हैं नंबर फोर स्ट्रेटजी टिप पे, जो है गेट हेल्प। बहुत सारे लोग मिलेंगे तुम्हें जो बोलेंगे कि यार जिनको पढ़ना होता है ना वो एनसीईआरटी पढ़ के या अपने आप पढ़ के भी 100 में से 100 ले आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लास 11th इतनी डिफिकल्ट है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, सारी स्ट्रीम्स के लिए, कि तुम्हें ट्यूशन लगवाना ही पड़ेगा। अब ट्यूशन लगवानी कौन सी है? देखो जब मैं पढ़ रही थी ना क्लास 11th में, तो कुछ रिंकू सर हुआ करते थे, कुछ प्रदीप सर हुआ करते थे, जो बड़े फेमस हुआ करते थे फरीदाबाद में, नो ऑफेंस टू देम, लेकिन ये ट्यूशन अच्छे थे, ये टीचर्स अच्छे थे, लेकिन इन ट्यूशन में इतने सारे बच्चे आते थे कि मुझे कभी इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिल पाई। तो जब भी ट्यूशन लगवाओ ये जरूर देखो कि आपका टीचर जो है वो आपको थोड़ा सा इंडिविजुअल प्राइवेट टाइम दे पाएगा, आपकी मिस्टेक्स को सुधार पाएगा कि नहीं, ठीक है, वरना वो ट्यूशन टीचर आपके किसी काम का नहीं। नंबर फाइव, रिसोर्स बुक्स। आई अंडरस्टैंड कि जो एंट्रेंसेस होते हैं नीट के या जेई के, उनमें भी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं, या आपके 11th में या 12th में जो फाइनल एग्जाम्स आएंगे उसमें भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। पर प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि क्लास 11th की जो साइंस है स्पेसिफिकली, कॉमर्स में भी ऐसा होता ही है, इसमें जो भी टॉपिक्स दिए होते हैं वो एक्सप्लेन तो किए हुए होते हैं, लेकिन वो इतने कंसाइज तरीके से एक्सप्लेन होते हैं कि जब हम उन्हें फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए हमें एक रिसोर्स बुक चाहिए होती है। आपने देखा होगा तो एनसीईआरटी पतली पतली आती है, रिसोर्स बुक जो है मोटी मोटी आती है। क्यों? क्योंकि सेम ही चीजें उसमें रिसोर्स बुक्स में दी होती है, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन होती है, सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन होती है। अब चाहे एचसी वर्मा लो, चाहे प्रदीप की गाइड लो, चाहे ट्रूमेन लो, चाहे अकाउंट की कोई लो या बिजनेस की कोई लो, लेकिन अपने सीनियर से, पीयर ग्रुप से और अपने स्कूल के टीचर से पूछ के जिन सब्जेक्ट में वीक हो उनकी रिसोर्स बुक्स जरूर ले लो। एंड माय लास्ट टिप वुड बी, बिल्कुल बेशरम होके क्लास 11th में तुम्हें डाउट पूछने हैं, चाहे तुम ऑनलाइन ट्यूशन ले रहे हो या ऑफलाइन ट्यूशन ले रहे हो, जब तक तुम्हें कोई एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तब तक डाउट पूछो, क्योंकि अगेन अगर क्लास 11th में वो टॉपिक समझ नहीं आया तो क्लास 12th पे जब उस टॉपिक पे एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा तो फिर वो सर के ऊपर से निकलेगा। तो ये थी मेरी पर्सनल टिप्स और ट्रिक्स, और अब मैं चलती हूँ क्लास 11th की स्टडी स्ट्रेटजीज के लिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।